हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो लेट्स डिस्कस अप्रॉक्सीमेट मेथड ऑफ स्क्योर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्योर अब ऐसे नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्योर हैं फॉर एग्जांपल आपके पास है अंडर रूट सेवन अब अंडर रूट सेवन को किस तरह से सॉल्व करें हाउ टू सॉल्व क्या आप पुराने मेथड से सॉल्व करोगे कि जैसे आप छोटी क्लास में करते थे कि अंडर रूट सेवन को इस तरीके से सॉल्व करना सो so, नहीं इस मैथड से नहीं करेंगे हम लोग शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट करेंगे सो लेट्स स्टार्ट अब आप लोगों ने लास्ट वीडियो में परफेक्ट स्क्वायर तो सीख ही ले कि परफेक्ट स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते हैं अब देखो ध्यान से बेटा अंडर रूट सेवन है अंडर रूट सेवन के नज़दीक वाले दो परफेक्ट स्क्वायर बताओ कौन कौन से हैं फॉर एग्जांपल जैसे हमें पता है कि थ्री थ्री ज़ार नाइन मतलब कि सेवन से बड़ा आ रहा है ठीक है टू टू ज़ार फोर थ्री और टू के परफेक्ट स्क्वायर के अंदर आ रहा है अंडर रूट सेवन इसका मतलब अब दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर लो आइदर यू कैन चूज़ थ्री और आइदर यू कैन चूज टू ठीक है सो किसी का भी एक का परफेक्ट स्क्यर आप लोग यूज़ कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल थ्री थ्री जै नाइन हम लोग नाइन यूज़ कर रहे हैं सो so, नाइन में से कितना माइनस करोगे कि आपका सेवन आ जाएगा दैट इज़ टू ठीक है अब शॉर्टकट कट मैथड कैसे लिखेंगे अंडर रूट नाइन का परफेक्ट स्क्यर क्या है थ्री सो so, हमने बाहर निकाल दिया थ्री टू को एज सच लिख दो जो भी यहाँ पे टर्म है इसका डबल कर दो थ्री का डबल कितना हो जाएगा सिक्स ठीक है थ्री का डबल कितना हो गया सिक्स सो कैंसिल आउट किया यहाँ पे आ गया वन ओवर थ्री सो नेक्स्ट कैसे लिखेंगे इसके लिखने का तरीका अब हमारे पास आ गया थ्री माइनस टू डिवाइडेड बाई सिक्स कटिंग करके आ गया वन ओवर थ्री वन ओवर थ्री का मतलब कितना होता है ज़ीरो पॉइंट थ्री 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 अब इन दोनों को ऐड कर दो सॉरी माइनस कर दो क्योंकि सेंटर में माइनस है थ्री में से जीरो पॉइंट थ्री थ्री गया तो हमारे पास आ गया टू पॉइंट सिक्स फोर दिस इज द अप्रॉक्सीमेट आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है कि हो सकता है आप कैलकुलेटर से यूज कर सॉल्व करके देखो टू पॉइंट फोर टू पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ आएगा सो अप्रॉक्सीमेट आंसर आपका आ जाएगा जो कि एंट्रेंस एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ठीक है सो सिमिलरली नेक्स्ट चलते हैं ऐसा ही एक और परफेक्ट स्क्वायर लो ठीक है एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल अंडर उल्व अब अंडर रूट ट्वेल्व को किस तरीके से सॉल्व करें डायरेक्ट तो आंसर नहीं आएगा सो थ्री थ्री ज़र नाइन एंड फोर फोर जॉ सिक्सटीन चाहे आप सिक्सटीन यूज़ कर लो चाहे आप नाइन यूज़ कर लो इट्स योर विश जो आपको ईजी और कंफर्टेबल लगता है वो आप यूज़ कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल मैं नाइन यूज़ कर रही हूँ सो परफेक्ट स्क्वायर मैंने एक यूज़ किया नाइन अब नाइन में से कितने ऐड करें कि हमारा ट्वेल्व बन जाए सो प्लस थ्री ठीक है ट्वेल्व बन गया अगर आप परफेक्ट स्क्यर सिक्सटीन वाला यूज़ कर रहे हो तो सिक्सटीन में से माइनस करना पड़ेगा आपको तब आपका ट्वेल्व आंसर आएगा अब हम छोटे वाला परफेक्ट स्क्यर यूज़ कर रहे हैं नाइन इसका मतलब आपने ऐड करना है थ्री अब नाइन का परफेक्ट स्क्यर अंडर रूट से बाहर निकाला हमारे पास आंसर आ गया थ्री ये वाला थ्री को एज सच लिख दो ये वाले थ्री को एज सच लिख दो और थ्री का डबल किया आ गया सिक्स अब कटिंग की वन ओवर टू वन ओवर टू का क्या मतलब है जब इसको सॉल्व करोगे वी गेट 0.5 अब 3 और 0.5 को ऐड करो तो वीगेट 3.5 पॉइंट फाइव दिस इज द अप्रोक्सीमेट आंसर इसका मतलब अंडर उल्व का आंसर कितना आ गया 3.5 पॉइंट फाइव दिस इज अजी मैथड आप इससे इसकी हेल्प से आप लोग बहुत जल्दी से और जल्दी जल्दी आप एंट्रेंस एग्जाम में अपने जो टेस्ट है वो क्लियर कर सकते हो सो नेक्स्ट चलते हैं अब बेटा नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर देखो मान लो कोई भी और ऐसा लो कोई भी चूज़ कर लो फॉर एग्जांपल हमने 15 कर लिया अंडर वुड फिफ्टीन अंडर वुड फिफ्टीन को कैसे सॉल्व करें अब इसके आसपास देखो थ्री थ्री जा नाइन एंड फोर फोर ज़ा सिक्सटीन मतलब 15 9 और 16 के सेंटर में आ रहा है ठीक है सो इट्स योर विश कोई एक टर्म आप चूज कर सकते हो मान लो मैंने अगेन नाइन चूज़ करा नाइन में कितना ऐड करें कि फ़िफ्टीन बन जाए प्लस सिक्स सो नाइन अगर आप बाहर निकालोगे नाइन को बाहर निकाला वी गेट थ्री प्लस अब सिक्स की जगह पर सिक्स लिख दो इसका डबल करना है थ्री थ्री सिक्स ठीक है सो सिक्स के साथ सिक्स कैंसिल आउट हो गया सो थ्री प्लस वन सो अप्रॉक्सीमेट आंसर आ गया आपका फोर अदरवाइज अंडर रूट फिफ्टीन का बच्चे एक्यूरेट आंसर आएगा थ्री पॉइंट एट अगर आप इसको राउंड ऑफ करके लिख दोगे सो वी गेट अप्रॉक्सीमेट फोर आंसर क्लियर हो गई इतनी बात अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट देखो सिमिलरली कोई और नंबर उठाओ फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिया थर्टी थ्री ठीक है थर्टी थ्री का परफेक्ट स्क्वायर देखो आसपास कौन कौन सी है फॉर एग्ज़ाम्पल फाइव फाइव सा ट्वेंटी फाइव सिक्स सिक्स सा थर्टी सिक्स सो थर्टी सिक्स भी आप यूज़ कर सकते हो और ट्वेंटी फाइव भी आप यूज़ कर सकते हो सो so, थर्टी सिक्स ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में सो so, हम लोग थर्टी सिक्स माइनस थ्री लिख रहे हैं ठीक है थर्टी सिक्स में से थ्री गए आपका थर्टी थ्री आ जाएगा आप ट्वेंटी फाइव भी यूज कर सकते हो देन थर्टी सिक्स का परफेक्ट स्क्वेयर कितना है सिक्स माइनस थ्री को एज सच लिख दो डिवाइडेड बाय अब इसका डबल करना है सिक्स प्लस सिक्स कितना हो जाएगा ट्वेल्व ठीक है थ्री वन जी थ्री फोर 12 ट्वेल्व अब सिक्स माइनस वन ओवर फोर वन ओवर फोर को सॉल्व करेंगे वीगेट टू जीरो पॉइंट टू फाइव अब सिक्स में से जीरो पॉइंट टू फाइव माइनस कर दो सो so हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा फाइव पॉइंट सेवन फाइव सो दिस इज़ द आंसर ठीक है सिमिलरली नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट में देखो कोई और बड़ी टर्म लेते हैं जैसे ये तो सारी छोटी छोटी टर्म्स थी सो so ऐसी कोई बड़ी टर्म लो जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाए फॉर एग्जाम्पल हम लोग चूज़ कर रहे हैं नाइन्टी सिक्स अब नाइन्टी सिक्स के आसपास का परफेक्ट स्क्र देखो नाइन नाइन ज़ा एटी वन टेन टेन ज़ा हंड्रेड चाहे आप एटी वन यूज़ करो चाहे आप हंड्रेड यूज़ करो सो so, हम लोग हंड्रेड यूज़ कर रहे हैं हंड्रेड माइनस फोर ठीक है हंड्रेड का परफेक्ट स्क्वायर बाहर गया तो दिस इज़ टेन फोर को एसच लिखना है और इसका डबल करना है डबल मतलब ट्वेंटी ठीक है फ़ोर वन ज़ा फोर फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी अब देखो 10 माइनस वन डिवाइडेड बाई फाइव का मतलब क्या है 0.2 अब 10 में से 0.2 गया सो अप्रॉक्सीमेट आंसर कितना आ गया 9.8 पॉइंट एट सो दिस इज़ आर आंसर सो इस तरीके से बच्चे हम लोग नॉन स्क्योर परफेक्ट जो स्क्योर नंबर होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो ये मेथड अच्छा लगा हो तो अपनी फ्रेंड सर्कल में शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच